जी गाइस, तो आज हो रही है थोड़ी सी स्किन केयर। मैं आज थोड़ा फ्री थी, मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुद को भी थोड़ा टाइम दिया जाए और अपने आप की भी फिक्र की जाए। तो आज मैं कर रही हूँ हैंड और फुट स्क्रब, ये बॉडी स्क्रब से, ठीक है। और ये बहुत अच्छा है, वोकली का, आई थिंक यहाँ लिखा होगा। जी ये देखें, वोकली का, ठीक है। ये मैंने लिया था चेज़ वैल्यू सेंटर से, चारकोल विद स्क्रब है। यहाँ इसके पीछे इसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई है और किस तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है ये भी लिखा हुआ है। तो आज मैं करूँगी इससे अपना हैंड और फुट स्क्रब। ये देखिए मैंने कितना ज़्यादा यूज़ किया है, और तकरीबन मुझे इसको परचेज़ किए हुए 7 to 8 months हो गए होंगे। और ये मैं फुल बॉडी पे यूज़ करती हूँ एज अ स्क्रब। तो चलिए अपनी स्किन केयर को शुरू करते हैं और फिर आपको बाद में रिज़ल्ट दिखाते हैं। अभी मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मेरे हाथ सही, ये फ्लैश ऑन है कैमरे की, तो आपको ये रिज़ल्ट नज़र आ रहा है अभी कैसा है। इसके बाद मैं जब स्क्रब कर लूँगी, वॉश कर लूँगी, तो आपको सेम कैमरे की फ्लैश लाइट में रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूँगी। तो ठीक है, अब ये मत बोलिए आपके नाखून इतने बुरे हैं। यार मेरे नाखून बढ़ते ही नहीं हैं, मैं बहुत नेल बाइटिंग करती थी पहले जब शादी से पहले छोटी थी, बच्ची थी, और अब मैं नेल बाइटिंग नहीं करती, बट कभी कभी जब मुंह में चले जाते हैं तो मैं तोड़ के फेंक देती हूँ, लेकिन बस नाखून नहीं बढ़ते। किसी के पास कोई टिप है नाखून बढ़ाने की तो मुझे ज़रूर बताएं। हाँ, मैंने अपनी शादी पर नाखून बढ़ाए थे कि मुझे नेल पेंट लगाना होगा, उन दिनों में दावतें होंगी तो तब मैंने बढ़ाए थे और नेल पेंट्स भी लगाए थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे नाखून। लेकिन अब जब बच्चे का साथ है तो अभी सब गंदा लगता है, कराइया जाती है, घर के काम करने होते हैं। फिर भी आपके पास कोई टिप हो नेल्स को जल्दी ग्रो करने की तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर वो टिप फॉलो करूँगी। तो चलिए स्किन केयर को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब ये देखें गाइस, मैंने जो है वो बॉडी स्क्रब था ना उसको लगा के छोड़ा 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद मैंने फेस मसाजर से अच्छे से अपने हाथों को 5 मिनट तक रब किया। और अगर आप देखें तो आपको मेरी कलाई और हाथ में ज़रा सा फ़र्क लग रहा होगा, ये थोड़ा वाइटर साइड पे हो गया है, हुआ है कि नहीं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सही है, तो अब मैं अपने बाकी का हाथ और पैर को भी करती हूँ, फिर आपके साथ रिज़ल्ट शेयर करूँगी। ठीक है जनाब। जी गाइस, तो अब बारी आ गई है पैरों की, और मुँह और हाथ तो सब चिपका लेते हैं, बस पैर होते हैं जिन पर ध्यान नहीं जाता कुछ इतना ज़्यादा, बस वज़ू कर लेते हैं उस वक्त साफ़ हो जाते हैं, इससे ज़्यादा तो इनके साथ कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो मैंने सोचा जब मुंह हाथ हो गए हैं तो क्यों ना पैरों पे भी थोड़ी देर लगा के छोड़ दिया जाए अच्छे से इसको। कभी कभी मुझे ऐसे भूत चढ़ते हैं अपनी तरफ ध्यान देने का टाइम मिलता है कभी, तो बस मैंने सोचा क्यों ना आज ही कर लिया जाए। देखिए मेरी औलाद माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, मेरी चिड़िया लुक एट देयर, इतनी प्यारी सो के उठी है मेरी चिड़िया ने। जुम्मा ना तो वाइट कपड़े पहने थे, कुर्ता शलवार, और पता नहीं क्या मेरा बच्चा डर रहा है। मम्मा क्या भाभी बना, भाभी बन रही है मम्मा, भाभी बन रही हैं, वो आपको डर लग रहा है मम्मा के भाभी बनने से? तो देखें सुकून से इसलिए ऊपर बैठा है, और मैं यहाँ इसी वजह से सुकून से ही काम कर रही हूँ क्योंकि ये डर रहा है, तो डर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं ज़रा ये कर लूँगी अच्छे से एक दफ़ा, तो बस मेरे हाथ और पैरों की थोड़ी शक्ल निकल आएगी, वरना कहाँ टाइम मिलता है डेली रूटीन में ये सब करने का। बस अब मैं 5 मिनट इसको लगा के छोड़ दूँगी, और फिर 5 मिनट के बाद जो है अल्लाह, ये पैर देख के ना अपनी मेहंदी वाले शादी के पैर याद आ गए। अल्लाह, जब दुल्हन बनी थी तो कितने प्यारे मेरे पैरों पर मेहंदी लगी थी, इतने खूबसूरत लग रहे थे, और आज देखें इनका क्या हाल है, कितने बुरे लग रहे हैं। खैर ठीक हो जाएंगे, कोई मसले की बात नहीं है। अब मैं यहाँ ये जो है स्क्रब बन करके रख देती हूँ, और फिर 5 मिनट के बाद मैं इसको अच्छे से ब्रश से सर्कुलर मोशन में जो है स्क्रब वाला लगाऊँगी आगे, पहले उससे घिसाई करूँगी और फिर ब्रश लगा के अच्छे से इसको इधर उधर सर्कुलर मोशन में घुमाऊँगी, और फिर अपने पैर वॉश कर लूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। ठीक है जनाब। जी जनाब, तो ये है वो अरके गुलाब जो मैं एज अ टोनर के तौर पे यूज़ करती हूँ। इसको यूज़ करते हुए मुझे 4 महीने हो गए हैं,
चाहिए तो मैं रोज़ाना सुबह उठ के मुँह धो के अच्छे से फेस वॉश से फिर ये टैप टैप करके अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। सही, तो आज जब मैंने हाथ पैरों की फ़ेस की स्क्रबिंग की है नेक की, तो मैं दोबारा इसको टोनर के तौर पे अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। ठीक है, अप्लाई करके मैं वापस आती हूँ और आपको अपने हाथ और पैरों की शक्ल दिखाती हूँ।